लोकसभा चुनाव को देखते हुए आज चांडिल बाजार डैम रोड स्थित सनसिटी कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इसमें रांची लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय, झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रभा भट्टाचार्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय व ईटागढ़ विधायक सविता महतो संयुक्त रूप से उपस्थित रहे एवं फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय महासचिव ने भाजपा को लताड़ते हुए कहा, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा के प्रति अनदेखी किया गया है। इस बार बीजेपी की 1.5 लाख नहीं, इस बार सफाया हो जाएगा। ईटागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनता जाग चुकी है, इस बार कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। तो निश्चित तौर पर दो बार का जो धोखा है मोदी जी का, उस धोखा का जवाब ईटागढ़ की जनता, चांडिल की जनता, निवनी की जनता, कपाली की जनता इस बार देगी। और देने के बाद 4 जून को हम भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतराल के साथ में यहाँ पराजित करेंगे। यहाँ चुनाव कांग्रेस का प्रत्याशी है, लेकिन यह चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित जो भी वामपंथी दल है, उन राजद है, उन सबका सामान्य एफर्ट है। और ये जिला हम लोगों का, हमको लगता है कि हम लोगों के वर्चस्व का जिला है। पूरा उल्हान से हम लोगों ने भाजपा को साफ किया, और इस बार यह जिला 3 लोकसभा में भी अपना प्रतिनिधि देंगे। इस बार महागठबंधन क्या एजेंडा लेकर जनता के सामने जाएगी चुनाव? सबसे बड़ा है यहाँ का झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, सबसे बड़ा है यहाँ पर आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है, देश में संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, दलित पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, उनका हक और सम्मान बचाने का लड़ाई है। देश जिस प्रकार से कॉरपोरेट के हाथ में बिक गया, उसको बचाने का लड़ाई है। यह लड़ाई हमको लगता है लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई होगा 24 का लड़ाई। ये 1.5 लाख पार बता रहा है बीजेपी, तो क्या ऐसा लग पार होता है तो लोगों को याद आता है। ये लोग इस बार 1.5 लाख पार नहीं, रांची लोकसभा क्षेत्र से तड़ी पार होने जा रहे हैं, लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। और महिलाओं भी काफी त्रस्त है, अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि महिलाओं का भी जो बजट है, जो घर चलाने का जो बजट है, वो भी काफी बिगड़ गया है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले 10 साल में जो भी सरकार ने कहा था कि बेरोजगारी हटाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई को कम करेंगे, यही कहा गया था। अब हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, यही उनका टैगलाइन भी था। पर देखिए अब क्या हो गया है, महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी तो और भी ज्यादा, पिछले करीब 40-50 साल में की बेरोजगारी नहीं हुई होगी जितनी आज है। तो युवा महिला काफी लोग त्रस्त है, और ये बातें लोगों की है, पर सामने वाली सरकार के पास कोई शायद एजेंडा नहीं है, क्योंकि ये बातों को नहीं उठा रहे हैं। मैडम, आप युवा प्रत्याशी है, युवा वोटर 3 बार लोगों से मिल रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि सबसे बड़ी जो परेशानियाँ युवाओं के साथ है वो है शिक्षा। यहाँ की डिग्री कॉलेजेस की जो बातें आती हैं, लोगों के पास डिग्री कॉलेजेस में सीट नहीं है, वो बातें हैं। तो शिक्षा की अगर एक बात आती है, और अगर आप देख लीजिए मोदी सरकार ने भी कहा, जो कहा था कि हम ये करेंगे, हम ये कॉलेज खोलेंगे, कहाँ खोला गया यहाँ पर, तो इनफैक्ट पिछले 10 साल में मैं देखूंगी कि नहीं ही हुआ है। तो युवाओं को उस चीज़ की तो वो है ही, कि आपके पास अगर देखिए पहले शिक्षा नहीं होगी तो आपके पास रोजगार कैसे होगा। और ऐसे अब तो जो स्थिति है कि शिक्षा के बाद भी ग्रेजुएट युवा भी बेरोजगार है, ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो ग्रेजुएट हो गए, डिप्लोमा लेकर भी बेरोजगारी की मार उनको मिल रही है। तो ये सब जो परेशानी है, ये बहुत बहुत बड़े मुद्दे हैं युवाओं के। और इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी का, अगर हम न्याय पत्र की बात करें, तो न्याय पत्र में राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात आती है, क्योंकि जो भी युवा, अगर समझिए 18 साल से 25 साल की अगर उनकी उम्र भी है, तो उनको उनका पहला नौकरी भी मिलेगा, उसके बाद उनको उनकी पहली तनख्वाह भी मिलेगी। इससे क्या होगा कि उनके आने वाला जो आप कह सकते पाथवे है वो खुल जाएगा, क्योंकि अगर 25 साल तक किसी को नौकरी और तनख्वाह पक्की मिल गई, उससे आप समझ सकते हैं कि युवा को कितना मदद मिल सकता है। तो कांग्रेस पार्टी